हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसका जो WH टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, WH टाइप क्वेश्चन को हम किस तरीके से पहचानते हैं और किस तरीके से पहचान कर डियर स्टूडेंट हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा पिछला सेशन था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इनडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इनडिफिनिट टेंस में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम पास्ट इनडिफिनिट टेंस को किस तरीके से हम पहचानते हैं और किस तरीके से पहचान कर डियर स्टूडेंट कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो डियर स्टूडेंट, आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं पास्ट इनडिफिनिट टेंस को। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हम पहचानते हैं। अगर हम पहचान लेंगे डियर स्टूडेंट, तभी हम उस टाइप के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, का हम पहचान जानते हैं पास्ट इनडिफिनिट टेंस का, कि क्या पहचान होता है। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट इनडिफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ये जो पास्ट इनडिफिनिट टेंस है इसी टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो आइए हम लोग पहचान जानते हैं डियर स्टूडेंट, पहचान जो होता है पास्ट इनफिनिट टेंस का, किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। तो जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान देना है, कभी भी हमें किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है हम सर्वप्रथम डियर स्टूडेंट हम क्रिया पर ध्यान देते हैं। तो क्रिया क्या है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ता था ती थी, ता था ती थी ते थी ते थे, ता था ती थी ते थे या डियर स्टूडेंट, या आ ए ई। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ए ई शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, शब्द आते हैं उसे पास्ट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या क्या है, अगर आपका जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ए ई आई, डियर स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसे पास्ट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, पास्ट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट हिंदी में आप पहचान लेंगे। आपको बस यही ध्यान देना है, वाक्य का जो क्रिया है क्रिया कंत में आप ये ध्यान देना, अगर आपका ताथा आ जाए, तीथी आए या तेथे आए या डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपका आ ए ई आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में वो जो टेंस होता है आपका क्या होता है, पास्ट इनडिफिनिट टेंस होता है। डियर स्टूडेंट, पास्ट इनडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये जो पहचान है, पहचान आपको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता था ती थी ते थे आ ए ई देख लेंगे, तुरंत पहचानेंगे ये क्या है, आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस है। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल को हम डियर स्टूडेंट फॉलो करते हैं, और फॉलो करके हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेट करते हैं, आसानी से ट्रांसलेशन हम सीख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है और जो पास्ट इनडिफिनिट टेंस होता है डियर स्टूडेंट, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, कि पास्ट इनडिफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है
जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, जो वर्ब का दूसरा रूप है, क्रिया का जो दूसरा रूप है वो प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिटेंस में। ध्यान दीजिएगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि पहचानते हम किस तरीके से, कभी भी हिंदी में आपका ता ता ती ती ते ते आ ए ई आएगा तुरंत पहचान लेंगे। तो अनुवाद करने के नियम डियर स्टूडेंट क्या होता है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं किस तरीके से हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद करने के नियम डियर स्टूडेंट, नियम पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस को जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, कभी भी इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं हमेशा असर्टिव सेंटेंस में। पॉजिटिव अगर असर्टिव सेंटेंस का, जैसा कि आपको पता है जो असर्टिव सेंटेंस होता है दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों का मतलब डियर स्टूडेंट एक ही है, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव या हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, दोनों आपके एक ही चीज़ है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे कि हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हमेशा हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा हमेशा हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अगर दिया है डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट आपका कंप्लीमेंट का प्रयोग किया गया है, कंप्लीमेंट होता है क्या डियर स्टूडेंट, मीन्स होता है आपका पूरक, अगर आपका कंप्लीमेंट दिया है तो हम कंप्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं। और अंत में डियर स्टूडेंट असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा क्या करते हैं हम कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अगर आपका कंप्लीमेंट दिया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये जो रूल्स है समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको जो हमने पहचान बताया और जो रूल बताया डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इस रूल को किस तरीके से, इस रूल्स के द्वारा हम किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है मोहन, मोहन सब्जी, मोहन सब्जी बेचता था, बेचता था, मोहन सब्जी बेचता था। रिलेशन ध्यान दीजिएगा क्या है कि कौन सब्जी बेचता था, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो डेस्टेंट सब्जेक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं और कौन लगाने के बाद डेस्टेंट जो हमें उत्तर मिलता है वही क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। तो कौन सब्जी बेचता है डेस्टेंट, आंसर आपको मिलेगा मोहन, क्या लिखेंगे डेस्टेंट मोहन, मोहन सब्जी बेचता है, क्या जगह आपका मोहन लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ब को समझ लीजिए स्टूडेंट, जो वर्ब होते हैं आपके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट सेल मीन्स होता है आपका बेचना, सेल मीन्स होता है स्टूडेंट आपका बेचना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेल सोल्ड डियर स्टूडेंट, क्या होता है आपका सोल्ड होता है। और थर्ड फॉर्म भी डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका सोल्ड होता है, सेल सोल्ड सोल्ड स्टूडेंट। जैसा कि ये जो सोल्ड है आपका, ये क्या आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यही वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो मोहन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, मोहन सोल्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा सोल्ड। वेजिटेबल क्या बेचता है, जैसा ऑब्जेक्ट क्या है आपका वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका वेजिटेबल नहीं होता है, कभी भी वेजिटेबल नहीं होता है हमेशा डियर स्टूडेंट, अगर कहीं भी आपका वेजिटेबल लिखा गया है तो डियर स्टूडेंट ऐसे ऐसे कंडीशन में वेजिटेबल लिखना आपका गलत होगा,
हमेशा डिस्टेंट वेजिटेबल्स होता है ना कि वेजिटेबल होता है। मोहन सोल्ड वेजिटेबल्स। फिर डिस्टेंट दूसरा सेंटेंस देखिएगा, और एक चीज़ और ध्यान देते हैं डिस्टेंट, यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में बताया कि जैसा सब्जेक्ट होता था वैसा हम वर्ब यूज करते थे, लेकिन डिस्टेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, वर्ब का प्रयोग करते थे, लेकिन डिस्टेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिस्टेंट चाहे आपका कर्ता सिंगुलर हो चाहे कर्ता आपका प्लूरल हो, हमेशा हम डिस्टेंट क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्ता आपका कुछ भी हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लिखेंगे। फिर डिस्टेंट देखिएगा, सीता सीता खाना बनाती थी, सीता खाना बनाती थी। डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, कौन खाना बनाती थी, हमने क्या बताया था, अगर ता था आ जाए, ती थी आ जाए, ते थे आए, या आ ए ई आई डिस्टेंट, हम तुरंत पहचानेंगे वो कौन सा टेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो कौन खाना बनाती थी डिस्टेंट, आंसर आपको मिलेगा सीता। क्या मिलेगा डिस्टेंट, सीता। अब तुरंत हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे डिस्टेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बनाना होता है डिस्टेंट, बनाना या पकाना होता है आपका कुक, कुक मीन्स होता है आपका बनाना या पकाना, खाना पकाने के लिए बेसिकली कुक का प्रयोग होता है आपका, बनाना या पकाना। सेकेंड फॉर्म जो होता है डिस्टेंट आपका कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड। थर्ड फॉर्म भी डिस्टेंट क्या होता है आपका, कुक्ड ही होता है, कुक कुक्ड कुक्ड। तो हम जो यूज करेंगे डिस्टेंट क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या आपका कुक्ड है, सीता कुक्ड क्या डिस्टेंट, कुक्ड फूड, सीता कुक्ड फूड, सीता खाना बनाती थी। अब डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, अगला सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, वे विद्यालय जाते थे, वे विद्यालय जाते थे। तो डिस्टेंट कौन विद्यालय जाता था, आपको आंसर मिलेगा दे डिस्टेंट, दे। अब क्या होगा डिस्टेंट, कहीं गो, गो मीन्स होता है आपका जाना, गो मीन्स क्या होता है डिस्टेंट, जाना होता है। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है डिस्टेंट वेंट होता है, क्या होता है, गो मीन्स जाना होता है, और वेंट, वेंट क्या आपका सेकेंड फॉर्म है, एंड गॉन क्या है डिस्टेंट थर्ड फॉर्म है। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंट, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया डिस्टेंट, ये हमेशा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर आप देखते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है तो हमेशा आप पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस डिस्टेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो क्या लगाएंगे डिस्टेंट, दे वेंट, दे वेंट, दे वेंट। कहीं जाने के लिए डिस्टेंट हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, दे वेंट टू स्कूल डिस्टेंट, दे वेंट टू स्कूल। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है डिस्टेंट रट्टा मार सेशन है, या कह सकते हैं डिस्टेंट इसमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस आपको यही ध्यान देना है कि हिंदी में अगर आपका ता था, ती थी, ते थे, या आ ए ई आएगा, और ये अगर आता है डिस्टेंट, ऐसे कंडीशन में तुरंत पहचानोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस डिस्टेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अगर डिस्टेंट सकारात्मक वाक्य है तो तुरंत आप पहचानोगे ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर डिस्टेंट ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तुरंत आप पहचानोगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो यूज किया जाता है हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और किसी सेंटेंस में नहीं यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस लिखिए डिस्टेंट, देखिए ता था, अगर ता था आ जाए, ती थी आए, ते थे आए, तुरंत हमने क्या पहचान लिया कि कौन सा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंट, अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, गया गया
गया। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है, गया गया गया। अब डियर स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि तीनों आपका क्या है, गया 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 है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला जो गया है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो गया है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, नेम ऑफ पर्सन है डियर स्टूडेंट। क्या है? नेम ऑफ पर्सन है डियर स्टूडेंट, ये किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा ये जो है आपका डियर स्टूडेंट, क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा जो गया है डियर स्टूडेंट, सेकेंड गया इज, ये था कि आपका गया फर्स्ट, सेकेंड जो गया है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये जो है आपका सेकेंड, ये जो है डियर स्टूडेंट क्या है, नेम ऑफ प्लेस। क्या है? नेम ऑफ प्लेस डियर स्टूडेंट। नेम ऑफ प्लेस मीन्स क्या है कि किसी स्थान का नाम है। ये जो स्थान है डियर स्टूडेंट, ये जो गया है, गया इज सिचुएटेड इन बिहार। गया कहाँ स्थित है डियर स्टूडेंट? गया इज सिचुएटेड इन बिहार, गया आपका बिहार में स्थित है। थर्ड जो गया है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका थर्ड गया है, ये क्या आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जो थर्ड जो गया है, क्या है आपका वर्ब है डियर स्टूडेंट। क्या है? वर्ब है। तो फर्स्ट गया इज नेम ऑफ पर्सन, एंड सेकेंड गया इज नेम ऑफ प्लेस, और डियर स्टूडेंट जो थर्ड गया है ये क्या आपका वर्ब है। तो आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है? गया है। कौन? गया गया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको मिल गया गया, क्या लिखेंगे हम? गया। अब क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या लिखते हैं? गो वेंच गॉन, गो वेंच गॉन। तो वेंट जो होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है आपका सेकेंड फॉर्म होता है। गया वेंट, कहीं जाने के लिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। गया वेंट टू गया, गया वेंट टू गया। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से, जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डियर जिसके अंदर डर बैठा हुआ था, अब कहीं ना कहीं ये जो टेंस का, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका डर आपके मन में से कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा होगा। फिर डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस देखिएगा, देखिए ता था, ती थी, ते थे, क्या आ जाए? आ। अगर आपका आ जाता है, देखिए गया यहाँ क्या रहा है आपका, आ रहा है। अगर आपका आ आए, ए आए, ई आए, तभी हम पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट बागीचे में खेलें। हम जैसे ध्यान दीजिएगा, हम क्रिकेट बागीचे में खेलें। देखिए आ रहा है क्या आपका, ए आ रहा है। हम क्रिकेट बागीचे में खेलें, हमने क्या बताया था? अगर ता था वाक्य के क्रियाकर्म में, क्या बेचना, ना की जगह डियर स्टूडेंट क्या आएगा? ता था। जैसे बेचना है आपका, बेचना, इस ना की जगह डियर स्टूडेंट क्या आएगा आपका? ता था, ती थी, यही ध्यान देना आपको। ये जो वर्ब डियर स्टूडेंट, बेचना, बनाना, जाना, ये डियर स्टूडेंट, ये जो ना है आपका, ना की जगह क्या आएगा आपका? ता था, ती थी, ते थे, क्या आएगा आपका? ते थे, या डियर स्टूडेंट आ, ए, ई, यही चीजें आएगा डियर स्टूडेंट। जब भी आपका इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तुरंत पहचानोगे आप ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो खेले ए आ रहा है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई, लास्ट में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट? ए आ रहा है, तो हम क्या है पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट? कौन क्रिकेट बागीचे में खेला या खेले? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम आंसर जो मिलेगा हमें, हम मिलेगा, हम लिखेंगे क्या? वी। आपको पता है कि वर्ब का जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे तुरंत हम क्या लिखेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो किस मतलब होता है डियर स्टूडेंट खेलना? प्लेड। वी प्लेड क्रिकेट डियर स्टूडेंट, क्या है आपका? क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट, देखिए ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट। क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, हमने आपको बताया। तो ऑब्जेक्ट याद करने के लिए क्या करते हैं, वाक्य में क्या लगाते हैं या किसको लगाते हैं, क्या या किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है डियर स्टूडेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, अब कहाँ खेलता है डियर स्टूडेंट, कहाँ खेलता है? तो कहाँ क्या है? बागीचे में।
तो बागीचे में, क्या आपका प्रीपोजिशन, हम क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन वी प्लेड क्रिकेट इन द गार्डन, इसलिए ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेज आते हैं, लाइक आपका पॉजिटिव सेंटेंस, किस तरीके से इन सेंटेंसेज को हम पहचानते हैं कि किस टेंस में ये चीज़ें, ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज हुआ है। और ये सर मैंने ये भी आपको बताया कि ये जो तरीका होता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी में पहचानने का तरीका यही होता है कि आपको वर्ब देखना है कि वर्ब के अंत में क्या आ रहा है। ये सर अगर आपका ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई आ रहा है, तुरंत आप पहचान जाएंगे डियर स्टूडेंट कि ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर डियर स्टूडेंट इंग्लिश में आपको पहचानना होगा तो बस आपको क्या ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है डियर स्टूडेंट, तो तुरंत आप पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है आपका, ये कौन सा टेंस है डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंग्लिश में पहचानने का तरीका क्या था डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट देखेंगे आप, और सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट तुरंत आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखना है। अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तुरंत आप पहचान जानोगे कि ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो भी मैंने आज का टॉपिक बताया, बिल्कुल बेसिक मैंने बताया और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया डियर स्टूडेंट तो सर्वप्रथम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और जो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक मैंने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि ये जो टेंस का डर आपको था अंदर कि मैं टेंस नहीं सीख पाऊँगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये जो टेंसेज का आपके अंदर डर बना हुआ था डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपके मन में से ये चीज़ें आपका निकल गया होगा डियर स्टूडेंट। ये क्या है कि ये रटने वाला सेशन नहीं है, ये बिल्कुल समझने का सेशन है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं शून्य डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप शून्य से सीखेंगे कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट टेंस को हम किस तरीके से, किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, और किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से हम टेंसेज को पहचानते हैं, किस तरीके से हम पहचानते हैं पहचान को, इन चीज़ों को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अपने सब्सक्राइब करिए ही, आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी बताइए लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और इससे अगर आप जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट तो आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, वो भी डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट आज का मैं सेशन है, एक कोटेशन से मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कोटेशन बहुत अच्छा लगेगा। डियर स्टूडेंट मैं कोटेशन स्टार्ट करता हूँ कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। जैसा ध्यान दीजिएगा, परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप एनर्जेटिक रहिए डियर स्टूडेंट, एनर्जिक साथ सीखिए। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि ये जो टेंस है, टेंस का जो डर आपके अंदर बना हुआ है, ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।